शनिवार को शिरोज हैंगआउट कैफे में अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी और छांव फाउंडेशन के तत्वाधान में कई पुस्तकों का विमोचन किया गया। इंग्लिश पोएट्री अड्डा और राजीव खंडेरवाल की पुस्तक खंडेरवाल की कविताई प्रक्रिया का सेंट जॉन्स कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह द्वारा विमोचन किया गया। फतेहाबाद रोड स्थित एसिड पीड़िताओं के लिए कार्यरत छांव फाउंडेशन के द्वारा संचालित शिरोज हैंगआउट कैफे में प्रख्यात इंग्लिश पोएट राजीव खंडेरवाल की पुस्तक खंडेरवाल की कविताई प्रक्रिया पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर एसपी सिंह प्रधानाचार्य सेंट जॉन्स कॉलेज ने कहा कि संस्कृति के सृजन के लिए ऐसे प्रोग्राम लगातार होने चाहिए। नव स्थापित लिटरेचर मंच इंग्लिश पोएट्री अड्डा की उपयोगिता पर बोलते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि आगरा की पहचान एक इंग्लिश लिटरेचर के रचनाकारों के महानगर के रूप में भी रही है, लेकिन बदलते दौर के साथ यह बीते दिन की बात बन चुकी है, लेकिन राजीव खंडेरवाल की गतिविधियों से इंग्लिश लेखन को प्रेरणा मिलेगी। प्रोफेसर एसपी सिंह और लाइफ और बिजनेस कोच बीना श्रीवास्तव सहाय ने राजीव खंडेरवाल के द्वारा इंग्लिश पोएट्री अड्डा शुरू करवाने के लिए योगदान को महत्वपूर्ण बताया और उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में यह आगरा की सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़ी पहचान बनेगा। आज जो है एक पोएटिक अड्डा के नाम से एक नियमित रूप से एक संगोष्ठी की श्रृंखला का उद्घाटन हुआ है और इसमें राजीव खंडेलवाल जी जो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं उनके द्वारा किस काव्य के शिल्प के बारे में और किस प्रकार से सहज रूप से लोग कविता लिख सकते हैं और सृजन कर सकते हैं इसके बारे में बहुत छोटी सी कार्यशाला ली गई और कविता के विषय में लोगों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। सर कितना आवश्यकता आवश्यक समझते हैं इसको इस समय? ये बहुत अधिक आवश्यक है। अगर हमें सांस्कृतिक रूप से भावनात्मक रूप से समृद्ध होना है और हमें अभिव्यक्ति को खोजना है और अपने अंदर की नकारात्मकता से छुटकारा पाना है तो आवश्यक है कि हम इस प्रकार के आयोजनों में जुड़ें। क्यों? क्योंकि ये हमारी सृजनात्मकता है जो हमें दिशा देती है, समझ देती है, हमें अवस्थित करती है हमारे संदर्भ और धरातल पर। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और सिस्टम की हम बात करते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तो लगता है कि कैसे होगा, बट सर ने जिस तरीके से अपने क्रिएटिव वे में सिस्टम दिया है कि हर किसी को पोएम लिखना लगता था कि बहुत मुश्किल काम है, मुझे भी ऐसा लगता था, बट इस वर्कशॉप के बाद उन्होंने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया और मैं उनकी बुक भी पढ़ रही थी, फ्लिप कर रही थी पेजेस, तो उन्होंने इतने वो अच्छे मेंटर हैं कि उन्होंने अपनी बुक में कैसे इसको जर्नी को आगे बढ़ाना है एज ए बिगिनर वो भी उन्होंने पोएम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितने ग्रेट मेंटर हैं और कितना अच्छा होगा अगर हम सब इनसे लर्न कर सकें और अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। इंग्लिश पोएट्री अड्डा विचार के आधारभूत सृजक राजीव खंडेरवाल ने कहा कि वह खुद तो जितना लिख सकते हैं लिख ही रहे हैं, किंतु चाहते हैं कि औरों की भी दबी हुई लेखन क्षमता सामने आए और उभरने के लिए मंच मिले। अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि इंग्लिश पोइट्रों के लिए आगरा में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अब यह कमी दूर हो गई है। जिसमें 52 पोएम्स हैं, सारी की सारी जो पोएटिक प्रोसेस है लिखने से सोचने से लेके पब्लिश करने तक उन सारे के सारे पहलुओं को दर्शाया गया और उसके अंदर और हमने एक पहला एक अटेम्प्ट किया है यहाँ पे, यहाँ हमने एक पोएट्री अड्डा के नाम से मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें जो लोग भी इंग्लिश की पोएट्री लिखते हैं आगरे के अंदर वो आके अपनी पोएट्री यहाँ पर पढ़ें और जो सीखना चाहते हैं पोएट्री लिखना, जो ये समझते हैं कि हम पोएट्री लिख नहीं सकते, उनके लिए वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत आसानी से वो एक अपने डर को दूर कर पाएंगे कि वो पोएट्री इंग्लिश पोएट्री नहीं लिख सकते। तो मैं समझता हूँ आज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था और चार पांच जने जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि वो पोएट्री लिख सकते हैं उन्होंने एक अच्छा अटेम्प्ट किया, पोएट्री लिखी और धीरे धीरे आने वाले समय में मैं समझता हूँ अच्छे पोएट्स बन सकते हैं। अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी और छांव फाउंडेशन ने मिल के एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इंग्लिश पोएट्री अड्डा, जो राजीव खंडेलवाल जी के सहयोग से हम इसको चलाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो भी लोग आएँ जो अपनी पोएट्री लिखें अगर वो छपने के लेवल तक होगी तो हम उसको छाप के बुक आगे आने वाले समय में एक संकलन करने का। छांव फाउंडेशन के डायरेक्टर आशीष शुक्ला ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि फाउंडेशन एसिड अटैक पीड़ितों के
कल्याण के लिए काम करता है। इन पीड़ितों खासकर महिलाओं में से प्रत्येक की अपनी आंतरिक पीड़ा है। मेरा विश्वास है कि इंग्लिश पोएट्री अगर उनके द्वारा किया जाना संभव हो सका या सिर्फ लिटरेचरी गतिविधियों का भाग बन सकी तो यह उसके अंदर के दर्द को काफ़ी हद तक कम करने वाला साबित होगा। हर व्यक्ति अपने संदर्भ में अपने प्रकार से संस्कृति शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी संस्कृति की समृद्धता, उसकी प्रचुरता, उसका जो समकालीन सृजन हो रहा है साहित्य का, उसके द्वारा नापी जा सकती है। सो अगर समकालीन साहित्य में देयर इज नो क्रिएटिव आउटपुट। कार्यक्रम में अनिल कुमार शर्मा, डॉक्टर आई से घोष, विभाग अध्यक्ष इंग्लिश सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, नवाब उद्दीन मैनेजमेंट ट्रेनर, सीमा खंडेरवाल, विवेक शर्मा, विरोना शर्मा, बीना श्रीवास्तव सहाय लाइफ एंड बिजनेस कोच, मोहम्मद आहिल, प्रोफेसर वेद त्रिपाठी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।